आप सभी का स्वागत है संडे की एक नई फ्रेश वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे एरोकेरिया प्लांट पे, यानी कि क्रिसमस ट्री पे। हमने इस प्लांट पे कई वीडियो बनाई हैं और हर वीडियो में हम आपको एक नई जानकारी देते हैं। तो आज की वीडियो भी हम इसके बारे में कुछ नई जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं। तो वीडियो आप लास्ट तक बने रहिए। एरोकेरिया यानी कि क्रिसमस ट्री के नाम से इस प्लांट को नर्सरी पे जानते हैं। ये प्लांट अक्सर लोग अपने घरों में तो ले आते हैं, पर कुछ टाइम के बाद प्लांट लाने के बाद प्लांट पूरी तरह से सूख जाता है और हमें उसके सूखने का कारण नहीं पता लगता है। हम उसे टाइम पे खाद पानी सब देते हैं, पर उसके सूखने का कारण क्या होता है। और नर्सरी पे ये प्लांट हमें बहुत ही अच्छी कंडीशन में दिखता है, काफ़ी ग्रीन रहता है और बहुत ही खूबसूरत रहता है। यही खूबसूरती देख के हम इस प्लांट को अपने घर पे लाते हैं और ये खूबसूरती फिर उसकी ख़त्म हो जाती। तो ऐसा क्या कारण होता है जो कि ये प्लांट हमारे घर में आते ही प्लांट ख़राब हो जाता है। तो आपने अक्सर नर्सरी पर देखा होगा ये प्लांट काफ़ी साफ़ रहता है और काफ़ी ग्रीन रहता है। इसका एक कारण होता है कि इस प्लांट को यहाँ पे डेली इसको वॉश किया जाता है, यानी कि इस पर सावरिंग की जाती है, जिसके कारण इस पर आपको किसी भी तरह की मिट्टी नहीं दिखेगी। और इस प्लांट को कभी भी नर्सरी पे फुल दिन की सनलाइट में नहीं रखते, यानी कि जो डायरेक्ट सनलाइट आती है उसमें ये प्लांट नहीं रहता है। इसके ऊपर ग्रीन नेट लगाई रहती है जिससे धूप छनके आती है इसकी पत्तियों पर, और उस कारण से ये प्लांट इतना ग्रीन रहता है। तो आपको जब भी ये प्लांट लगाते हैं या तो आप बालकनी में लगाएं, और अगर आपकी बालकनी में डायरेक्ट धूप आती है तो इस प्लांट को ग्रीन नेट के नीचे लगाएं, तो आपका ये प्लांट सालों साल ऐसे ही ग्रीन बना रहेगा जिस तरह नर्सरी पे रहता है। कभी भी इस प्लांट को ओवर वाटरिंग नहीं चाहिए। आप एक बार पानी डालते हैं तो एक वीक तक आपको पानी नहीं देना है, क्योंकि इसकी प्लांट की जो जड़ें होती वो सड़ जाती हैं ज़्यादा पानी के कारण। इसलिए आप इसको इसकी पूरी तरह से मिट्टी सूख जाने दें, तभी आपको पानी देना है। पानी जितना आप पौधे को देते हैं उतनी जल्दी पौधा मर जाता है। पानी की कमी से कभी भी पौधा मरता नहीं है। मैंने ये बात नर्सरी पे ही सीखी है। तो आपको कैसी लगी ये जानकारी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में।